दिस इज मी निशा एंड यू आर वॉचिंग बॉलीवुड स्पाई। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बिग बॉस में हो गई है आयशा खान की वाइल्ड कार्ड एंट्री। आयशा खान ने आते ही किया मुनावर को टारगेट। जी हां, आयशा का कहना है कि मुनावर कर रहे हैं उन्हें डबल डेट। तो चलिए जानते हैं जनता का क्या कहना है इस बारे में। 17 में आयशा खान की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, उन्होंने मुनावर फारूकी को ये कहा है कि वो उन्हें डबल डेट कर रहे थे, तो इस पे आपका क्या कहना है? झूठ बोल रही हो तुम। ऐसे क्यों बताओ, आपको लगता है मनोवर भाई? भाई मनोवर भाई उनका भाई स्टैंडर्ड कॉमेडी अपन शुरुआत से देखता रहे भाई, उनके आगे कोई बोल नहीं सकता है। हाँ भाई, हाँ तो इसके लिए मेरे को तो जो लग रहा है झूठ ही लग रहा है, फंसाया जा रहा है मनोवर भाई को। आपको नहीं लगता कि अगर कोई इंसान इस तरीके का इतना बड़ा है, लेकिन लगा है मनोवर भाई का नाम ही काफी लोग फंसाना चाहते, गिराना चाहते मनोवर भाई को, बस ये कर लेंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो डबल डेट कर रहे होंगे। हाँ, क्योंकि उनका गेम देख के तो नहीं लगता कि उनकी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है डबल डेटिंग करने की। आई थिंक सो क्या बताए, हमें तो इतना भी नहीं पता भाई। डबल डेट तो नहीं, इतने बड़े नेशनल टीवी पे ये ऐसा कोई लड़की आगे बोल तो नहीं सकती है, कुछ तो रहेगा। मतलब आपको लगता है वो जो बोल रही है वो सच है? हाँ सच है। हाँ, तो आपको क्या लगता है मुनावर कैसे डील करेंगे? मुनावर डील करेंगे मतलब दोनों जो लड़के साथ में रहेंगे तभी होगा, किसी को मोबाइल उसका चेक करेंगे तभी पता चलेगा। पर बिग बॉस में तो मोबाइल अलाउड ही नहीं है ना, मतलब दोनों लड़की सामने रहेगी तो ये झूठ है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी पहले से है नाजिला, तो मुनावर ऐसा कर ही नहीं सकते। हाँ, और वो आई है अभी एज अ वाइल्ड कार्ड और उन्होंने ये चीज बोली है, तो आपको नहीं लगता इसमें थोड़ी बहुत भी सच्चाई हो सकती है? बिकॉज़ इतना मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुनावर ना है ऑलरेडी है तो क्यों करे वो ऐसा, कभी नहीं करे वो। कैसे डील करेंगे मुनावर इस चीज से, क्योंकि एट द एंड वो जो बोल रही है उसका थोड़ा बहुत असर तो उनके बाहरी रिश्तों पे भी पड़ेगा और अंदर ही पे भी पड़ेगा। तो सब झूठ झूठ ना, ऐसा मतलब कुछ भी बोल सकते, वो कुछ और बोल रही है, हिट होने के लिए भी बोल सकती है। मुनावर भी कभी इस टाइम बहुत ऊपर चल रहा है ना, इसके लिए वो बोल सकती है ऐसा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा मेरा अंदाजा जहाँ तक है। बाकी जो होगा फिर हम क्या बोल सकते, हो सकते है कर सकते, बट हम आके देखे थोड़ी ना है, तो कोई लड़की अपने उस पे कर सकती है, पर मुनावर भी गलत नहीं हो सकता है। कुछ बातें सच होएगी कुछ होएगी, अब नेशनल टाइम्स आके बोल रही है तो कुछ तो सच बात होएगी ना। अब अगर हम आगे एपिसोड देखेंगे तो उसमें असलियत मालूम पड़ जाएगी, देखेगा। आपने कहा कि कुछ सच हो सकती है, तो अगर ये सच हुई तो मुनावर किस तरीके से इससे डील करेंगे? फिर मुनावर को देखना चाहिए ना कि वो उधर लड़की को बोल रहे कि हाँ मैं तुमसे करता, फिर उनको भी भुगतना चाहिए, उनको मालूम पड़ना चाहिए, होना चाहिए यार, लड़की दिल के हट कर रहे तो फिर होना चाहिए उनको भी। तो आप चाहते कि वो भी अगर सच रहा तो, सच रहा तो, क्योंकि मैं मुनावर के साइड हूँ। बट अभी जो एपिसोड में दिख रहा है वो तो कुछ अलग ही लेवल का दिख रहा है। अगर कोई लड़की नेशनल अपना खुद वो नहीं करेगी, अगर कुछ सच रहेगा तो एक्चुअली हम बोलेगी। अभी देखेंगे अगले के एपिसोड में क्या दिखाएगा, सच रहेगा तो फिर मुनावर को मालूम पड़ना चाहिए कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, फिर मनारा पे क्या होगा वो तो एपिसोड में पता चलेगा कि मनारा का क्या होगा, ये तो दिलचस्प होगा जानना। मुनावर गलत कर रहा है, मनारा वो सब फिर हट हो गई, क्या होगा ये नहीं सोचा। वो भी तीन तीन लड़की एक साथ, तीनों का दिल अगर हट कर रहा है तो भी मुनावर को होना चाहिए नेशनल टाइम में जब आके। पर अगर वो बात सही रही तो मैं मुनावर खिलाफ भी नहीं हूँ, उनके साथ भी नहीं हूँ। अभी आगे जाके एपिसोड में अगर मालूम पड़ा तो हम सपोर्ट में रहेंगे जरूर, कि हम देखे पहले एपिसोड में मुनावर सबसे अलग रहे, सबसे हटके उनकी पॉलम, उनकी वो फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। अब कोई पर दो तरफ से देखा जाए, एक तो लड़की बोल रही है तो लड़की झूठ नहीं बोलेगी नेशनल टाइम जाके, और फिर मुनावर को सब देख रहे, अब कंफ्यूज है इस बात में खाली, आगे के एपिसोड में देखा जाएगा मुनावर फाइट चलेगी जरूर।
बस आगे के एपिसोड में अब देखा जाएगा। हम चाहते हैं कि जो हो सच हो, ऐसा नहीं अब अगर नेक्स्ट बिग बॉस ला रहे हैं तो कोई रीजन होगा। मेरे ख्याल से बिग बॉस उनको इसके ला रहे क्योंकि वो हमेशा बैकफुट पे खेलते हैं, अब अगर इस वजह से वो थोड़ा आगे आ जाए तो वो एक है अकेला इंसान। आई लाइक मुनव्वर सच में, वेलकम। शायद ये मुझे लगता है वो शायद बिग बॉस टीआरपी के लिए कर रहा होगा या स्क्रिप्ट होगी। अगर ये कर रहा है तो ये बहुत गलत है क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ को डबल डेट कर रहा है, जो भी कर रहा है इसमें मतलब ये टीआरपी के लिए ये करना नहीं चाहिए। और वैसे भी ये मतलब मुनव्वर का मतलब अगर सच भी हो तो मुनव्वर का थोड़ा उसमें डाउन होगा, ऑडियंस डाउन होगा क्योंकि डबल डेट कर रहा है, मुनव्वर पे आएगा शायद वो कर भी नहीं रहेंगे। पर ये शायद जो भी हो रहा है शायद टीआरपी के लिए हो रहा है, तो ये शायद अच्छा नहीं, गलत नहीं है किसी की पर्सनल लाइफ ऐसे सबके सामने लेके आना। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ओपिनियन मुनव्वर का है कि मुनव्वर खुद एक समझदार है, वो बहुत मतलब लोअर बैकग्राउंड से इतना ऊपर तक आया तो उन्होंने जो किया होगा समझदारी के साथ किया होगा। मुनव्वर शायद उनको उनका मुनव्वर मैंने गेम देखा जहाँ तक मुझे पता है वो अच्छे से समझा के बात करते तो शायद वो पोलाइटली समझा के अपना डिसीजन लेंगे जो भी है बात करेंगे। ये तो बता नहीं सकते क्योंकि वो जाने उनका जाने वो पैसे ले, पहली बात तो पैसे उनके पास, तो कुछ भी कर सकते, बाहर की दुनिया हमको क्या मालूम, बाहर की दुनिया वो बाहर क्या किए वो क्या मालूम, सही बात है ना। अब वो डायरेक्ट आके बोलेंगे कि मैं ऐसे, अभी मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने आपके साथ ऐसा ऐसा किया, तुम मानोगे क्या? यहाँ कोई मानेगा क्या? नहीं मानेगा ना, तो वो क्यों मानेगा जो साथ में, वो क्यों मानेंगे? अगर उनके साथ वाले को भरोसा है उनके ऊपर तो नहीं मानेंगे। सच्चाई की बात ही नहीं, आज का माहौल सच्चाई में है ही नहीं, पहली बात सब झूठ पे, मतलब अभी बता रहा रियली बता रहा। अभी कोई लड़का भी तुम चल रहे हो, वो कुछ नहीं किया बंदा, तुम बोल लोगे ये मेरे को छेड़ा तो पब्लिक आके मारेगी ना, मारेगी तो ना, तो कुछ किया है क्या वो? तो उसके आके बोलने से तो क्या हो जाएगा क्या? हाँ सपोर्ट में, फुल सपोर्ट में, अपना भाई है मुनव्वर भाई। हाँ झूठ बोल रही, खुला झूठ बोल रही। तो अगर मतलब मान लीजिए कि वो एज अ वाइल्ड कार्ड अभी आ ही गई है इस चीज में, हाँ, तो वो कैसे डील करेंगे मुनव्वर की, कुछ ने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया और उसी के साथ मुझे गेम खेलना है, रोज उसे देखना है। उनके फ्रेंड्स होंगे, उनके मतलब फ्रेंड से मालूमात ले सकते हैं कि मतलब उनसे प्रूफ कर सकते हैं फ्रेंड से कि इनका कुछ ताल्लुक था क्या मेरे साथ ऐसा वैसा। मुझे नहीं लगता मुनव्वर ऐसा करता है, बिकॉज ऑफ उसकी पहली भी वाइफ थी, अब उसका एक भी बच्चा था बट वो नहीं था, तो मुझे तो नहीं लगता कि मुनव्वर ऐसा कुछ करेगा। सो नहीं, बिल्कुल नहीं। बिकॉज मुनव्वर की गर्लफ्रेंड है ऑलरेडी बिग बॉस में, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि मुनव्वर ऐसा कुछ करेगा। मेरे को भी यही लगता है मुनव्वर ऐसा नहीं करेगा, और वो माफी मांगने वाली है वो तो बिल्कुल नहीं करेगा, माफी नहीं मांगेगा वो, तो मुनव्वर नहीं करेगा ये। तो आपको क्या लगता है कि मतलब वो आयशा खान आ रही है वाइल्ड कार्ड, तो कितना मुनव्वर की गेम पे अफेक्ट करेगा, कैसे मुनव्वर इस चीज से डील करेंगे? वो मुनव्वर कर लेगा डील, मुनव्वर के दिमाग बट वो झुकेगा नहीं। एक्चुअली मेरे दोनों ओपिनियन है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि हो सकता है इसलिए क्योंकि एक्चुअली मैंने रिसेंटली देखा था कि नाजिला जो है वो मुनव्वर फारूकी को फॉलो नहीं कर रहा है, मैंने उनकी मतलब फॉलोइंग में जाकर देखा था, तो शायद हो सकता है कि उन्हें पता चल गया हो नाजिला को इस बारे में, तो इसलिए शायद ब्रेकअप या कुछ हुआ हो उनका। या ये भी हो सकता है कि शायद नहीं हो क्योंकि टीआरपी लोगों को बढ़ानी होती है, कि कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है। डील तो समझदार इंसान है, कैसे भी कर लेगा वो। कैसा लग रहा है? थोड़ा ठंडा है पर बढ़िया है, कॉमेडी और मजा आ जाती है चिंटू के साथ उसके मजे मस्ती वो सब। ठंडा इन द सेंस क्या? वो मतलब जो उसकी गेम है वो सही से शायद नहीं दिख पा रही है। तो ये था आज का पब्लिक रिएक्शन आयशा खान का मुनव्वर को लेके, जो कहना है वो कितना सच है कितना झूठ ये तो आने वाले एपिसोड में हमें पता चल ही जाएगा, लेकिन आप अपने राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीवुड स्पाई।